पेट्रोल और डीजल के दाम में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल 14 पैसे और पेट्रोल 16 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में अब एक लीटर डीजल का दाम 80.02 रुपए हो गया है। तो वहीं पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के लिए अब आपको अपनी जेब से 69.92 रुपए खर्च करने होंगे। ये लगातार 19वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। और ध्यान देने वाली बात यह कि डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। लोगों का ये गुस्सा कोरोना संकट के बीच हर रोज बढ़ते तेल के दाम के खिलाफ है। तेल की बढ़ती कीमत से हालत ये हो गई है कि अब डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है और यही वजह है कि लोग अब बढ़ते तेल की कीमत के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो बुधवार को लगातार 18वें दिन तेल की कीमत बढ़ी। बुधवार को दिल्ली में प्रति लीटर डीजल की कीमत 48 पैसे महंगा हुई, जिसके बाद एक लीटर डीजल की कीमत 79.88 रुपए हो गई, जबकि एक लीटर पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपए हो गई। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत में कुल 10.48 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल 8.50 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है, जहां तक लोगों को याद है, पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त आप जैसा कि देख रहे हैं 79.80 रुपए का पेट्रोल है, और अमूमन जो डीजल गाड़ियां चलाते हैं वो डीजल गाड़ियां इसी वजह से लेते हैं कि डीजल पेट्रोल के मुकाबले सस्ता है। पहले एक बार आप मेरे को डीजल के रेट भी मैं आपको दिखा देता हूं। 79.92 रुपए का इस वक्त डीजल है। दोनों में बहुत मात्र 12 पैसे का अंतर है। खास बात यह है कि पेट्रोल से महंगा डीजल सिर्फ राजधानी दिल्ली में है, देश के बाकी महानगरों में पेट्रोल ही महंगा है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार देश के महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि कोलकाता में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 81.45 रुपए, जबकि डीजल के दाम 75.06 रुपए थे। मुंबई में भी प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 86.54 रुपए, जबकि डीजल के दाम 78.22 रुपए थे। इसी तरह चेन्नई की बात करें तो वहां प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 83.04 रुपए और डीजल की कीमत 77.17 रुपए थी। तेल की बढ़ती कीमत के खिलाफ एक तरफ जहां कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। दिल्ली में महंगे डीजल पर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से सफाई आई है। सरकार का कहना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तेल पर वैट दोगुना कर दिया है, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं। मई से पहले दिल्ली में डीजल पर वैट 16.75% था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसे बढ़ाकर 30% तक कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर भी वैट की दर 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। वैसे जानकार बताते हैं कि देश में तेल के दाम अभी और बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां लॉकडाउन की वजह से राज्यों की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियां भी तेल के दाम बढ़ा रही हैं। ऐसे में राज्य सरकारें तेल पर वैट बढ़ाकर अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करेंगी, जिससे कोरोना के संकट के बीच आम जनता की जेब पर तेल बोझ बनने वाला है। अब है पारशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आगे बढ़ने